हरियाणा में नए सीएम का ऐलान। उनका स्वागत करें, उनके अनुज हैं। खट्टर ने दिया इस्तीफा, सैनी ने ली शपथ। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। 24 घंटे से भी कम में कैसे बदली हरियाणा की सियासत? आखिर क्यों टूट गया गठबंधन और फिर से कैसे बन गई बीजेपी की ही सरकार, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बात चुनाव की। अब ये सारी उठापटक शुरू होती है लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग की बातचीत से। सूत्र ये बताते हैं कि उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और हिसार के साथ साथ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर दावेदारी कर दी। लेकिन अंदर खाने ही खबर ये भी मिले कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। यहीं से बात इतनी ज्यादा बिगड़ती चली गई और फिर नतीजा गठबंधन टूट गया। लेकिन सवाल ये है और होना भी चाहिए कि अगर बात सिर्फ बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की थी तो फिर आखिर खट्टर ने इस्तीफा क्यों दे दिया? इसके कई सारे कारण हैं जो अब एक एक कर मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा कारण जो रिपोर्ट्स में दावा किया गया वो ये है कि बीजेपी वहां एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। अब थोड़ा सा आपको और समझाऊं तो कुछ मुद्दे भी हैं जो इतनी सुर्खियों में रहे कि लगा सरकार को डेंट पहुंचा सकते हैं। जैसे 2020 का किसान आंदोलन, 2023 में पहलवानों का मुद्दा और एक बार फिर से किसानों का दिल्ली चलो मार्च। तो इस फेरबदल के पीछे एक सोची समझी रणनीति दिखाई देती है। लेकिन एक सवाल ये कि नायब सिंह सैनी के नाम की घोषणा के साथ उठा वो सवाल ये था कास्ट फैक्टर का। आखिर क्यों जाट बहुल हरियाणा, जहां की राजनीति जाटों के इर्द गिर्द रही है, तो कैसे बीजेपी ने चुनाव के इतना करीब ओबीसी वाला ये दाव चल दिया है? लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि सब कुछ एक दिन में नहीं हो गया। इसके पीछे कई सारी वजह है जो ये बताती है कि सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। लेकिन सवाल वही कि आखिर क्यों नायब सिंह सैनी, मैं आपको बताती हूँ। 2014 में मुख्य धारा में वो राजनीति में आते हैं और फिर कभी पलट कर उन्होंने पीछे नहीं देखा। वक्त बीतता गया, समय समय पर उनका कद भी बढ़ता चला गया। 2014 में विधायक, 2016 में राज्य मंत्री, फिर 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, फिर प्रदेश अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री तक का ये सफर। संगठन का लंबा अनुभव होने का उनको एक फायदा मिला है। अब 2023 में उनके नाम ने तब चौंका दिया जब ओम प्रकाश धनखड़ की जगह किसी जाट नेता को नहीं बनाकर नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तभी से बीजेपी रणनीति समझ में आने लगी। अब जो आंकड़ा बताया जाता है उसके मुताबिक ओबीसी लगभग 8% समुदाय हरियाणा का, जो 3 से 4 लोकसभा सीटों को सीधा प्रभावित करता है। अब ये वक्त भी वो है जब जातिगत जनगणना और ओबीसी मुद्दे को लेकर हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी पर बहुत जबरदस्त हमलावर है। तो इस पूरे समुदाय को कैसे साधा जाए, इसी के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन ये भी तय है कि कैडर को मजबूत करने के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी पर होने वाली है और होगी भी इसीलिए क्योंकि अब देखिए आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है और फिर खट्टर के लोकसभा चुनाव लड़ने के भी आसार हैं। वक्त ये तय करेगा कि बीजेपी को ये जो दाव है वो कितना मुफीद साबित होता है और इसके लिए इंतजार लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का करना होगा। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि सबसे जरूरी ये है कि हरियाणा में 2019 में लोकसभा का भी चुनाव हुआ और विधानसभा का भी चुनाव हुआ, यानी कि जब अब 2024 फिर से है तो वहां पर विधानसभा का भी चुनाव होना है क्योंकि आचार संहिता लग जाने वाली है। अभी ही यहां पर लोकसभा का चुनाव भी, 10 सीटें जो आप सोचिए पिछली बार क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब एक स्थिति तो ये कहती है कि बीजेपी यहां पर जो अपना ही रिकॉर्ड था उसे दोहराने की तैयारी में है। पिछली बार अगर वोट फीसद की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे ज्यादा डबल हो जाए या और स्ट्रांग हो जाए, ये बीजेपी की कोशिश रहने वाली है। इसीलिए सबसे बड़ा कारण ये रहा कि बीजेपी और जेजेपी, और आप एक बार याद करिए 2023 में कुछ ऐसी खबरें सामने आने लगी कि लगा कि जेजेपी और बीजेपी के क्या गठबंधन टूट जाने वाला है, क्योंकि कुछ इस तरीके की बयानबाजी हुई और इसीलिए माना यह जा रहा था कि बीजेपी जब बहुत मजबूत स्थिति में है, 10 की 10 जो लोकसभा सीटें जब बीजेपी के पास रही पिछले बार के चुनाव नतीजों में, तो फिर वो क्यों जेजेपी के साथ गठबंधन करेगी? वो तो विधानसभा में इसीलिए करना पड़ा क्योंकि जो जादुई आंकड़ा था वो 6 से चूक गई थी बीजेपी और इसीलिए किंग मेकर की भूमिका जेजेपी ने उस वक्त निभाई। लेकिन अगर उनकी 2 सीटों की मांग थी तो बीजेपी इस वक्त किसी भी रूप में यहां पर रिस्क लेने के मोड में नहीं दिखाई दे रही थी और यही नतीजा रहा कि बीजेपी ने एक बड़ा दाव चल दिया। अब आप ये भी जानिए कि जो राजनीति है हरियाणा की वो हमेशा जाटों के इर्द गिर्द रही, जैसा मैंने कहा।
यानी कि हर कोई जाटों को कैसे साधा जाए इसकी तैयारी में रहता है। अब ये लगभग 24 से 25% बताया जाता है वहां पर जो जाट समुदाय का प्रभाव है। अब जैसे मैंने आपको जाट के बारे में बताया, तो जो जाट वोटर है वो भी किसी ना किसी रूप में बटा हुआ है, यानी कि जाट समुदाय कई जगहों पर कांग्रेस को भी वोट देता है, इसके अलावा जेजेपी को भी वोट देता है और बीजेपी के भी साथ दिखाई देता है। तो अब जो ओबीसी वो समुदाय जिसको लेकर माना जा रहा है कि वो एकजुट नहीं है, तो बीजेपी ने कोशिश ये की है, मास्टर स्ट्रोक ये चला है कि अब जो ओबीसी समुदाय है उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया जाए, यानी कि अपने पाले में कर लिया जाए। और जाट तो बीजेपी के साथ है ही, क्योंकि ऐसी 4 से 5 लोकसभा सीटें सीधी हैं जहां पर जो जाट समुदाय के लोग हैं वो तय करते हैं कि कौन जीतने वाला है। और लोकसभा चुनाव पिछले अगर आप देखेंगे तो 10 की 10 सीटें बीजेपी को ही मिली, तो ये साफ है कि बीजेपी की स्थिति जाटों के लिहाज से तो मजबूत है ही, लेकिन यही ओबीसी फैक्टर साधने के लिए नायब सिंह सैनी एक नया नाम, एक बड़ा नाम यहां से निकलकर सामने आया, जो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन इसके बाद बीजेपी को इसका क्या फायदा या क्या नुकसान होता है, इन सब के लिए इंतजार 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों का करना होगा।